कि आपको कि जो बाबरी मस्जिद गिराया गया ये गलत गिराया गया और इसीलिए इंसाफ होगा कि बाबरी फिर से बनाई जाए। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में 6 दिसंबर की रात को बाबरी मस्जिद दोबारा बनाओ के नारे लगे हैं। दरअसल 8:30 बजे जेएनयू छात्र संघ ने बकायदा एक प्रदर्शन के लिए कॉल किया जिसमें कई छात्र जमा हुए और वहां पर जेएनयू छात्र संघ के उपाध्यक्ष साकेत मून ने बकायदा नारा लगाया कि बाबरी मस्जिद दोबारा बनाओ। इस दौरान प्रदर्शन में जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आईसी घोष भी मौजूद थी, लेकिन अब इस नारे के बाद विवाद पैदा हो गया है। बीजेपी के नेता इस पर खुलकर हमला बोल रहे हैं, साथ ही साथ एबीवीपी के जो जेएनयू के स्टूडेंट हैं वो भी इस नारेबाजी पर हमला बोल रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी है उसको कम्युनल बनाया जा रहा है। इसको लेकर लगातार विवाद पैदा हो गए हैं। हालांकि जेएनयू और विवादों का कोई नया नाता नहीं है, बहुत पुराना नाता है। इसके कुछ दिन पहले भी राम के नाम पर एक फिल्म को रिलीज करने से जेएनयू प्रशासन ने मना किया था, बावजूद इसके जेएनयू छात्र संघ के लोगों ने फिल्म को रिलीज होने दिया। लेकिन अब ये जो नया नारा जेएनयू से निकला है 6 दिसंबर को कि बाबरी मस्जिद दोबारा बनाओ, इसको लेकर एक नया विवाद पैदा हो गया है। बात है कि बाबरी मस्जिद को जिस तरीके से एकदम एक कॉन्सेंट्रेटेड प्लान तरीके से तोड़ा गया, दूसरा एक मूवमेंट उसके इर्द गिर्द चलाया गया था VHP BJP RSS द्वारा कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाए, और आज के समय पे हम लोग जो स्लोगन सुन रहे हैं कि बात बाबरी तक सिर्फ नहीं है, बात है आने वाले समय में वो लोग जिस तरीके से बोल रहे हैं कि काशी भी है, मथुरा भी है, तो ये एक जो सांप्रदायिक जो माहौल है उसको खराब करने की पूरी पूरी कोशिश फिर से किया जा रहा है। जी, ऐसी सूचना मिली कि मतलब इस तरह से कार्यक्रम जेएनयू कैंपस में हो रहा है, अभी मीडिया के द्वारा भी बाद में भी कैंपस में पता चला, लेकिन हमें लगता है इनको तूल देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसीलिए करते हैं कि हमको मीडिया में जाने का मौका मिले, हमको फुटेज मिले। पूरे उसके बाद कोई कन्हैया कुमार बनेगा, कोई और बनेगा, इसी तरह से कांग्रेस का फिर सपोर्ट मिलेगा उनको, फिर बाद में जाके कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। लेकिन ये तो गंभीर नारा है ना, जेएनयू में क्या पुलिस से शिकायत करेंगे प्रशासन से? बिल्कुल, इस पर प्रशासन पे हमारा आग्रह रहेगा, प्रशासन इन सारे लोगों पे जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जो भी इस तरह गतिविधियां करते आए हैं, एक यही नहीं है, एक यही घटना नहीं, उसके पहले आप एंटी नेशनल वेबिनार हुआ, कश्मीर पे वेबिनार हुआ, उसके बाद 9 फरवरी की घटना हुई, उसके बाद और सारी घटनाएं कैंपस में लगातार होती जा रही हैं। प्रशासन को एक कमेटी बैठा कर ऐसे लोगों के खिलाफ और ऐसी सोच के खिलाफ जो भी कैंपस में जो पाठन पाठन की प्रक्रिया को बाधित करते हैं और इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं, यहाँ के छात्रों, यहाँ यूनिवर्सिटी के प्रशासन का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम करते हैं, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।